हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आज आपको पुरानी टेक्नोलॉजी मेजरमेंट लेने की और नई 3D स्कैनर से जो मेजरमेंट लिए जाते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों आजकल ज़्यादा चलन में हैं 3D स्कैनर्स। रीज़न, पहले जब हम माप लिया करते थे या कहें मेजरमेंट लिया करते थे दांत की कटिंग करने के बाद, तो वो एल्जीनेट से या एक पुट्टी आती थी उससे मेजरमेंट लिया जाता था। आपके माउथ में ट्रे डाली जाती थी, मटेरियल डालने के बाद अबाउट 45 या सेकेंड्स या 1 मिनट तक आपके माउथ में रखा जाता था। फिर उसके बाद उसमें इम्प्रेशन ले लिया जाता था, इम्प्रेशन में एक डाई स्टोन डालकर उसको सुखा दिया जाता था तो आपके माउथ का एक मैप बन जाता था, उस पे फिर लैब में दांत फैब्रिकेट होते थे। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया आज यही बताऊंगा कि दोनों में फ़र्क क्या है 3D स्कैनर और क्यों डिफरेंस है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लिनिक पे हमारी सुविधा है और इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपका सारी चीज़ें पहले फीड की जाती हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या शेड रहेगा, और उसके बाद एक 3D स्कैनर से एक माउथ का पूरा प्रिंट लिया जाता है। पूरा जब प्रिंट आ जाएगा, अपर का भी और लोअर का भी, और आपका एक बाइट रजिस्ट्रेशन भी उसी से ही हो जाता है। जब आप मुंह बंद करते हैं तो कितना डिफरेंस है कटिंग किए हुए दांत में और ओरिजिनल दांत में, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि कितना सेरामिक की हाइट रखनी है। ये सब चीज़ें निश्चित होने के बाद हम इसको स्टोर कर लेते हैं और एक STL फाइल होती है जो डायरेक्ट लैब में चली जाती है। ही नीड नॉट टू कम टू कलेक्ट द मॉडल्स। पहले जो मॉडल्स बनते थे या जो एल्जीनेट से इम्प्रेशन होता था, उससे पहले लैब वाला यहाँ आता था, उसमें एक संभावना रहती थी वो श्रिंक हो सकता था, लेकिन जब आप कंप्यूटर से माप ले रहे हैं, स्कैनर से माप ले रहे हैं, तो श्रिंकेज का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो उसके बाद जब वो स्कैनर के लिए हमने भेज दिया, वहाँ पर वो कंफर्म करते हैं कि मेजरमेंट इज़ प्रिटी ओके, आप आगे चल सकते हैं, तो उन्हीं के ऊपर वो कैट कैम के माध्यम से अच्छे से सेरामिक के दांत, PFM के दांत या जिरकोनिया के दांत कोई भी बनवाने चाहें, मोनोलिथ बनता है, तो वो टाइप्स के लिए मेरी अलग से वीडियो है, कभी आप देखें कि टाइप ऑफ राउंड्स क्या क्या होते हैं। तो वो जब बन जाता है तो उसके बाद यकीन मानिए, मैं पिछले एक साल से जो ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3D स्कैनर की, उससे बिल्कुल कैप रखते ही एक्यूरेट फिटिंग आती है। फिटिंग के साथ साथ जो प्रॉक्सिमल स्पेस है, दो दांतों के बीच में जो स्पेस होता था, वो भी नहीं रहता है, क्योंकि कंप्यूटर्स के माध्यम से आपको अंडरकट्स भी वो बता देता है कि यहाँ पर कटिंग की ज़रूरत है, तो वो हम पहले ही करेक्शन कर लेते हैं ताकि बाद में ये दिक्कतें ना आए। तो डिफरेंस अगर माने तो उस जो पहले इंप्रेशन वाली बात करें, उसके अंदर लोगों को गैगिंग होती थी, उल्टी आती थी माउथ में, जब किसी किसी को तो फिंगर डालने से वोमिटिंग फील होती है, तो उसके अंदर जब मटेरियल आपके मुंह में भरा जाएगा और वो 45 सेकंड्स या 1 मिनट रहेगा, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा गैगिंग की प्रॉब्लम होती है या उल्टी आने की। दूसरा रहता था, उसकी स्मेल बहुत अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि एक स्मेल पेशेंट जब आपके माउथ के बिल्कुल करीब में वो डाला है, स्मेल तो डेफिनेटली आपको उसमें फील करनी ही पड़ेगी और होती भी है, तो उसके आप दोनों चीज़ों से बच जाते हैं। और तीसरा, जब आपने मेजरमेंट पोर किया, उसके बाद आपने उसमें से डाई स्टोन डाल के दांत निकाले, तो एक या दो दांत टूट गए तो आपको फिर से बुलाया जाता था, फिर दोबारा माप लिया जाता था। तो स्कैनर में ये बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, इसका एक लाइव डेमो मैं आपको दिखा भी देता हूं। पड़ती है, बट एक्यूरेसी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, और साथ के साथ आपको एक बेस्ट कैप मिल रहा है जो कई साल आपके मुंह में रहना है। इट इज जस्ट लाइक द नेचुरल टीथ। सो आपका भी कोई ऐसा प्रश्न हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर 3D स्कैनर की सुविधा आपको चाहिए, कैट कैम से कंप्यूटर से दांत बनाने की सुविधा चाहिए, तो आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। आपका भी कोई प्रश्न है, अपने एक दांत की फोटो और ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप उसको व्हाट्सएप करो। आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वाकई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचा सकते हैं आप, और मेरा चैनल भाटिया डेंटोपल्स को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है।
फ्रेंड्स, आप अपने दांतों का ध्यान रखें, दांत डेफिनेटली आपका ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, सीनियर डेंटल सर्जन, करीब 30 ईयर्स हो गए मुझे इस डेंटिस्ट्री में। आप कुछ भी पूछना चाहें आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, और मेरा क्लिनिक जनकपुरी दिल्ली में है भाटिया डेंटोपल्स के नाम से। अगर विजिट करते हैं तो आई कैन क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियोज़ आप देखते रहें और आपका प्यार मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।